उसको बिना तोरण बांधना हमारे रायतबारी समाज में शुभ नहीं कहता, इसलिए ऊँट बहना जरूरी है। अच्छा लगता है, हमारा रीति रिवाज भी है, वैसे भी राजघराना से भी ताल्लुक रखते हम, जैसे कि सामने एक रजवाड़ा है, रजवाड़ा के सामने तो कोई ऊँट पे नहीं चढ़ सकते, वैसे सामने मान लो गांव में, लेकिन एक बिंद राजा वो राजा कहलाता है, इसलिए वो राजा शायद राजघराना क्यों ना हो, उसको सामने भी ऊँट पे चढ़ के तोरण बांध सकता है। ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, चाहे गुजरात में जाओ, भूज में जाओ, जो भी एरिया रबारी समाज रहती है वहाँ, जैसे कि भाषा तो गुजराती बोलते हैं, लेकिन जो भी रीति रिवाज वो सेम हमारा ही, वहाँ भी वही ऐसे ही। तो मतलब लाल छापा रीति रिवाज तो लाल छापे की है, जैसे कि मान लो अभी जैसलमेर में अभी रबारी कम है वहाँ, वैसे भी पहले जैसलमेर के ही है रेवन से, यहाँ छोड़ के चले गए थे, जहाँ की आदमी के पहुँच में था जब तक तो ये लाल पगड़ी बना दी उन राजा ने, जो पांच बार चले गए उनको आज भी व्हाइट छापा है। हमारा राजा महाराजा ने वो पद्मी दिया हुआ है, इसलिए जितना भी हो कम से कम कोई आदमी की हसीस नहीं है कि भाई ऊँट नहीं ला सकता, तो इसको सपोर्ट करके समाज को ऊँट लाना चाहिए कम से कम। ऊँट को बिना तोरण बांधना हमारे रायतबारी समाज में शुभ नहीं कहता, इसलिए ऊँट बहना जरूरी है। अच्छा लगता है, हमारा रीति रिवाज भी है, वैसे भी राजघराना से भी ताल्लुक रखते हम, जैसे कि सामने एक रजवाड़ा है, रजवाड़ा के सामने तो कोई ऊँट पे नहीं चढ़ सकते, वैसे सामने मान लो गांव में, लेकिन एक बिंद राजा वो राजा कहलाता है, इसलिए वो राजा शायद राजघराना क्यों ना हो, उसको सामने भी ऊँट पे चढ़ के तोरण बांध सकता है। तो अभी जैसे हैं राजस्थान की बात करें या फिर गुजरात की बात है, हाँ जी, रबारी समाज तो बहुत पूरा देश भर में फैल गया, हाँ जी, है ना, जहाँ पे भी होगा तोरण इसी पे होगा। हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, चाहे गुजरात में जाओ, भूज में जाओ, जो भी एरिया रबारी समाज रहती है वहाँ, जैसे कि भाषा तो गुजराती बोलते हैं, लेकिन जो भी रीति रिवाज वो सेम हमारा ही है, वहाँ भी वही ऐसे ही है। तो मतलब दूल्हा जो आएगा वो लाल छापे में आएगा, लाल छापा रीति रिवाज तो लाल छापे की है, जैसे कि मान लो अभी जैसलमेर में अभी रबारी कम है वहाँ, वैसे भी पहले जैसलमेर की है रेवन से, यहाँ छोड़ के चले गए थे, जहाँ की आदमी के पहुँच में था जब तक तो ये लाल पगड़ी बना दी उन राजा ने, जो पांच बार चले गए उनको आज भी व्हाइट छापा है। अच्छा। वो भी लाल नहीं पहनते, बस है भूंज है, उसको कचेरी बारी कहते हैं, वो नहीं पहनते आज भी। लेकिन छापे का कलर लाल और सफेद के अलावा दूसरा नहीं होता, दूसरा नहीं होता हमारे समाज में, नहीं होता ऐसे तो आजकल पीले भी पहनते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन शोभा नहीं देता हमारी जात में, शोभा नहीं। ऐसा और क्या होता है जो सिर्फ रबारी समाज में ही होता है, जो बाकी समाज में नहीं होता, ऐसी अनूठी परंपराएं होती होगी ना? ऐसी तो बोलने के लिए बहुत है, लेकिन एक हर कोई छोटा मोटा है तो बड़ा आदमी बुजुर्ग है तो उसका सम्मान रखते हैं, मर्यादा रखते हैं कि भाई हमारी जात में आज भी वो थोड़ा है कि भाई बड़ा हमारा दादा दादाजी है या नाना जी है या कोई गांव का मुखिया है, तो उसकी इज्जत रखनी मर्जी।
वो सुबह दिन कोई हल्की बात करना सुबह नहीं देती ना, इसलिए मान मर्यादा से बात कर लिया।